मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग स्टड के बारे में पढ़ेंगे कि स्टड होता क्या है, इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं और फ्री हैंड स्केचिंग से इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये सारा चीज़ एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि स्टड होता क्या है। जैसे हम लोग इससे पिछले लेक्चर में देखे थे कि वॉल्ट क्या होता है, वॉल्ट को कैसे ड्रॉ करते हैं, तो सिमिलर ये एक तरह का बॉल्ट ही कह सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि यहाँ पिछले लेक्चर में कि जो बॉल्ट था वहाँ पे हेड बना हुआ था, है ना। उसका एक हेड था, हेक्सागोनल हेड था या स्क्वायर हेड भी हो सकता है, किसी तरह का हेड हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि ना तो इधर हेड बना हुआ है और ना ही इधर हेड बना हुआ है। तो ये जो असेंबली होता है, ये जो पार्ट होता है, इसको हम लोग स्टड बोलते हैं। स्टड मतलब जिसके दोनों एंड पे थ्रेडिंग हो। तो दोनों एंड पे थ्रेडिंग का मतलब कि इसमें जो है आपका हेड नहीं होगा। तो हेड नहीं होगा तो इस सिचुएशन में दोनों हेड पे थ्रेडिंग होगा, तो इस टाइप के बॉल्ट को हम लोग स्टड बोलते हैं। अब देखिए, बॉल्ट और स्टड में बस एक ही डिफरेंस है कि उसमें एक साइड से थ्रेडिंग होता है, इसमें दोनों साइड से थ्रेडिंग होता है। साथ ही साथ दोनों साइड से जब थ्रेडिंग होगा तो इसमें बॉल्ट हेड नहीं होगा। तो जब आपको लग रहा होगा कि अगर बॉल्ट हेड नहीं होगा तो फिर इसको हम लोग एडजस्ट कैसे करेंगे, उसको कैसे वहाँ पर लगाएंगे ताकि असेंबली एक तरह से ज्वाइंट, दो प्लेट को ये ज्वाइंट कर सके। तो इसमें क्या सिस्टम होता है कि अगर हम ये बॉल्ट की बात करते हैं तो ये बॉल्ट में देखिए बीच वाला पोर्शन जो है जिसको सेंक बोलते हैं, ये खाली रहता है। खाली का मतलब वहाँ पे थ्रेडिंग नहीं रहता है। लेकिन इधर वाला एंड पे थ्रेडिंग रहता है, इधर वाला एंड पे। देखिए, अब इसको जो यूज़ करते हैं तो ये भी दो प्लेट को ज्वाइंट करने के लिए ही यूज़ करते हैं। जैसे ये एक प्लेट हो गया और ये दूसरा प्लेट हो गया। अब इस दोनों प्लेट को हमें ज्वाइंट करना है, तो ज्वाइंट करने के लिए इसमें होल करते हैं ना, तो होल करेंगे इसके डायमीटर के साइज़ का होल करेंगे। अब देखिए, इस स्टड को जो हम लोग इसमें इंटर कराएंगे, तो इंटर कराएंगे तो स्वाभाविक है ये इंटर कर जाएगा क्योंकि इसके डायमीटर के बराबर होल होता है। लेकिन आप देखते होंगे यहाँ पे जो क्या होता है कि ये जो यूज़ करते हैं जहाँ पे स्पेस कम होता है, दैट मीन्स वहाँ पे वॉल्ट वाला हेड एडजस्ट नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए पीछे यहाँ पे ये लगाना है तो पीछे में अब वॉल्ट यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर सकता है, इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि जितना इसका डायमीटर है उतना ही डायमीटर का नीचे वाले प्लेट में, ये वाले प्लेट में इसको थ्रेडिंग कर देते हैं। थ्रेडिंग करने का क्या मतलब होता है कि जब इसको इंटर कराते हैं तो इसका डायमीटर थोड़ा लार्ज रखते हैं। लार्ज इसलिए रखते हैं कि डायरेक्ट इसमें इंटर कर जाएगा, और इसका डायमीटर जो होता है इसके डायमीटर के बराबर रखते हैं। मेटल इंड इसको बोलते हैं, इसको हम लोग टॉप इंड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेटल इंड है, मेटल इंड जितना डायमीटर होगा सीट में उतना ही मेटल जो प्लेट होगा नीचे वाला उसका उतना ही डायमीटर में थ्रेडिंग किया रहता है, ताकि इसके अंदर ये डायरेक्ट इंटर कर जाएगा फर्स्ट प्लेट के अंदर, लेकिन दूसरे में डायरेक्ट इंटर नहीं करेगा। ये थ्रेडिंग के साथ इसको जब हम लोग क्लॉक वाइज रोटेट कराएंगे तो ये धीरे धीरे अंदर जाएगा इस बॉल्ट, ये बॉल्ट जो है या स्टूड जो है ये इसके अंदर अंदर जाएगा। तो आप देख सकते हो ये जो प्लेट है ये ऑटोमेटिक बॉल्ट का काम कर जाएगा, यानी कि एक नट दूसरे साइड से, जो नट नहीं लगाते हैं दूसरे तरफ साइड में जो है प्लेट में ही थ्रेडिंग रहता है और वो प्लेट ही जो है वो नट का काम कर जाता है। फिर ये एंटर कर गया, फिर ये वाला पोर्शन इस सीट में आ गया और ऊपर जो है ये थ्रेडिंग वाला पोर्शन आ जाएगा, और ये थ्रेडिंग वाला पोर्शन में फिर ऊपर से हम लोग नट लगा देते हैं, और नट लगाने के बाद ये असेंबली टाइट हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो मेटल इंड है ये सीट में ही थ्रेडिंग रहता है, जो सीट जो है आपका बॉटम मेटल जो लगा रहता है, सीट लगा रहता है उसी में थ्रेडिंग रहता है। तो सीट ही एक नट का काम कर जाता है, और ये जो है सेंक वाला पोर्शन दूसरे सीट में जाता है, यानी कि ये वाला पोर्शन जो है इस बीच में आएगा और ऊपर में जो स्पेस होगा वहाँ पे थ्रेडिंग होगा, और इस थ्रेडिंग में हम अलग से ऊपर से एक नट लगा देते हैं। नट लगाने के बाद इस असेंबली को टाइट कर देते हैं। इस ढंग से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे यूज़ करते हैं वहाँ जो नट होता है, सॉरी जो बोल्ट का हेड होता है वो स्पेस कम होने के कारण एडजस्ट नहीं हो पाता है, इसीलिए हम वहाँ पे स्टड का उपयोग करते हैं। तो स्टड में क्या होता है, बोल्ट हेड नहीं रहता है, दोनों तरफ पे थ्रेडिंग रहता है, ठीक है। अब देखिए,
स्टड का मतलब ही होता है हेडलेस बोल्ट, ये भी एक तरह का बोल्ट कह सकते हैं, लेकिन इसमें हेड नहीं बना रहेगा। हेडलेस बोल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टड बोलते हैं। अब देखिए, इसका अगर हम लोग नोमेनक्लेचर करें तो इसको हम लोग नट हेड बोलते हैं, इसको नट हेड बोलते हैं क्योंकि ऊपर से आप देखे थे नट लगाए थे, नीचे में मेटल हेड नट इंड बोलते हैं, मेटल इंड बोलते हैं। अब मेटल इंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप देखते होंगे जो मेटल का प्लेट लगा रहता था उसी के अंदर इंटरनल थ्रेडिंग था, जिसमें ये एक्सटर्नल थ्रेडिंग जाके मैच कर गया और ये टाइट कर दिया, यानी कि एक नट का काम वही प्लेट कर दिया था, इसीलिए इसको मेटल इंड बोलते हैं। यहाँ पे नट हम यूज़ करते हैं इसीलिए इसको नट यूज बोलते हैं, नट इंड बोलते हैं। अब ये मिड पार्ट या सेंटर पार्ट कह सकते हैं, जिसको हम लोग सेंक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जहाँ पे थ्रेडिंग नहीं रहता है ना, वो नट ले बोल्ट ले लो या फिर स्टड ले लो, उसको सेंक बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे थ्रेडिंग नहीं है तो इसको मिड पार्ट या सेंटर पार्ट या सेंक बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट हो गया आपका स्टड के बारे में। अब आइए इसका फ्री हैंड स्केचिंग करते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर इससे हम लोग फ्री हैंड स्केचिंग करते हैं। फ्री, आप देखिए एक क्वेश्चन क्या है कि स्केच फ्री हैंड द फ्रंट व्यू, सॉरी यहाँ पे व्यू लिखा होगा, ये व्यू VIUEW व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ प्लेन स्टूड ऑफ डायमीटर 20 mm कीपिंग इट्स एक्सिस इज वर्टिकल। देखिए ये आप सिंपल, आपको नट भी ड्रॉ किए थे तो क्या डायमीटर दिया हुआ था, अब इसमें आप लिख दिए वर्टिकल एक्सिस रखना है तो वर्टिकल रख देंगे इसी ढंग से, अगर हॉरिजेंटल बोल रहा है तो नट को इस ढंग से, बोल्ट को या स्टूड को इस ढंग से बनाएंगे। ये आपको पता है कि एक्सिस को हॉरिजेंटल रखेंगे तो आपको हॉरिजेंटल पोजिशन में रख के बना दीजिए, एक्सिस को वर्टिकल रखना है तो वर्टिकल पोजिशन में रख के बना दीजिए। तो इस ढंग से हम लोग, ये आपको पता है और इसको हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो कभी भी नट बोल्ट हो या नट हो या फिर स्टूड हो, उसमें सिर्फ डायमीटर दिया होगा और डायमीटर से हम लोग सारा डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं, इसीलिए जो डायमेंशन होता है इसको आप लोग आउट याद रखना, हम लोग को याद रखना पड़ता है। देखिए अब डायमीटर मान लेते हैं डी दिया हुआ है, तो इसका कोर डायमीटर, कोर डायमीटर का मतलब जो ये थ्रेड कट कर रहे हैं, ये जो छोटा डायमीटर इंटरनल डायमीटर जो होता है इसका, यानी कि ये थ्रेड का डायमीटर वो कितना होगा, तो ये डायमीटर से 0.8 D to 0.85 D होते हैं। वैसे भी हम लोग कोर डायमीटर बताए थे कि 0.84 टाइम्स स्टूड डायमीटर के बराबर होता है, ये पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे। तो ये रेंज ले लिया तो आप 0.84 ले सकते हो, 85 तक तो ले ही सकते हैं, तो 85 लेके चलेंगे आराम से कैलकुलेशन, 84 भी ले सकते हैं और 08 भी ले सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको कोई भी रेंज लेके, तो हम जनरली 0.84 या 85 लेके चलते हैं। उसके बाद नट इंड, जो नट इंड होगा इसका लेंथ थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नट लगाते हैं तो इसका नेट इंड जो लेंथ होता है वो 2D+6 होता है, 6 ये mm में होता है, ये आपको ध्यान रखना है, जो भी डायमेंशन ले रहे हैं mm में होगा। अब उसके बाद मेटल इंड, इसका जो डायमेंशन होता है ये 1.5D to 1.5D के बराबर होता है। तो ये डायमेंशन हो गया किसका? नट का। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो डायमीटर हो जाएगा 20 mm जो दिया हुआ है, कोर डायमीटर फाइंड आउट करेंगे 85 mm के दर्ज, 0.85 D के बराबर हो तो 17 mm हो जाएगा, और नट इंड 2D यानी कि 20 × 2 यानी कि 40+6 46 हो जाएगा, और मेटल इंड जो होता है 1.5 D यानी कि 20 × 1.5 D = 30 हो जाएगा। तो इस ढंग से इस स्टूड का डायमेंशन भी हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अब आइए स्टड को ड्रॉ करते हैं, स्टड को ड्रॉ करते हैं। तो स्टड कैसे ड्रॉ होगा? तो सिंपल, जो डायमेंशन दिया हुआ है उसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे बोल्ट में ड्रॉ किए वैसे भी इसको, वैसे आराम से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग ड्रॉ करने के लिए पहले आपको पता करना होगा, पता क्या है, ये सारा डायमेंशन पता कर ही लिए हैं, आपको भी पता करना होगा जो भी क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं कि जैसे स्टड दिया होगा ना, तो ये जो स्टड है ये प्लेन स्टड है। अब किसी किसी क्वेश्चन में आप स्क्वायर स्टूड देगा तो ये बीच वाला पोर्शन जो होगा ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस ढंग से आप कंफ्यूज नहीं होना है कि स्टूड दे दिया है कि स्क्वायर है कि प्लेन है। अगर प्लेन स्टूड दे दिया तो सर्कुलर सिलेंड्रिकल सेक्शन होगा, स्क्वायर लिख दिया तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ आपको डायमेंशन सब फाइंड आउट करने के बाद अब आते हैं हम लोग इसका ड्राइंग पे। अब देखिए कोर डायमीटर कितना है? 17 mm। तो कोर डायमीटर जानते हैं हम लोग, वो थ्रेड का डायमीटर होता है जो इंटरनल पार्ट हो, इंटरनल में होता है, ऊपर से देखेंगे तो नहीं दिख पाएगा, तो इसीलिए हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, इसको या तो डैश लाइन से ड्रॉ करते हैं या फिर कहीं पे एक जगह कट कर देंगे तो ये इंटरनल थ्रेडिंग यानी कि थ्रेड के डायमीटर को डिनोट करेगा। देखिए ऊपर से अगर हम लोग इस देखेंगे ना, ऊपर से अगर आप देखिए तो ये अंदर वाला जो डायमीटर है वो नहीं दिखेगा, ठीक है, तो नहीं दिखेगा।
अगर दिख भी रहा है, ये ऊपर वाला पार्ट दिख भी रहा है, तो थ्रेड के डिसाने की तरीका क्या है कि या तो आप एक जगह से कहीं से कट कर दीजिए, किधर भी कट कर सकते हैं, एक जगह फ्री स्पेस थोड़ा सा छोड़ दीजिए, तो ये आपका थ्रेड के डायमीटर को शो करेगा। अब उसके बाद अब स्टूड का जो ये सेन का डायमीटर है ये कितना है, तो ये 17 mm रेडियस ले 17 mm डायमीटर लेके, यानी कि 8.5 रेडियस लेके इस सर्कल को ड्रॉ करेंगे। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल दूसरा 10 mm रेडियस यानी कि 20 mm डायमीटर लेके दूसरा सर्कल हम लोग इसी के कॉन्सेंट्रिक ड्रॉ करेंगे। ये आपका ये सेन का डायमीटर हो जाएगा, ये डायमीटर कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 20, तो ये सेन का डायमीटर हो जाएगा। अब देखिए टॉप व्यू हमारा लगभग ड्रॉ हो गया, तो लगभग क्या यही पार्ट है, ही जो एक बॉल्ट हेड है नहीं, तो दो ही चीज़ दो ही डायमीटर ड्रॉ होगा। अब देखिए इसका सेंटर लाइन हम लोग सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, तो सेंटर लाइन ड्रॉ कर ली एक्सिस का। अब ऊपर भी वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ कर दिए, क्योंकि आपको कहा गया है क्वेश्चन में कि वर्टिकल स्टड ड्रॉ करना है, तो वर्टिकल सेंटर लाइन हमने लगा लिया। अब सेंटर लाइन लगाने के बाद आपको पता है टॉप व्यू ड्रॉ कर लिया, फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए जितना भी टॉप व्यू का प्रोजेक्शन होता है सभी का प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करते हैं, तो प्रोजेक्शन लाइन हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो ही सर्किल है, तो दोनों सर्किल का एंड पॉइंट से हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो दोनों साइड ड्रॉ करेंगे तो चार लाइन ऊपर जाएगा, तो ये आपका स्टड का फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए प्रोजेक्शन लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। अब देखिए इसका लेंथ क्या होता है, तो लेंथ आपको देखिए यहाँ पे आप दो लेंथ हम देखे हैं कि जो आपका मेटल इंड का लेंथ होगा वो 46 होगा, और नट इंड का जो वो लेंथ होगा वो 46 होगा, और मेटल इंड का जो होगा वो 30 होगा, लेकिन बीच का लेंथ हमें कहीं नहीं दिखाए हैं। क्यों नहीं दिखाए, तो वो डिपेंड करता है कि सीट का थिकनेस कितना है, तो जितना सीट का थिकनेस होगा, जिस सीट को आप लोग ज्वाइंट करते हो ज्वाइंट करेंगे हम लोग, उस सीट के थिकनेस के अकॉर्डिंग इस बोल्ट को हम लोग डिज़ाइन करते हैं, बोल्ट को बनाते हैं। तो ये बीच वाला डिस्टेंस वो डिफाइन नहीं रहता है, जैसा आपका सीट मेटल का सीट होगा जितना थिकनेस का होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको बनाते हैं, इसीलिए बीच वाला जो डिस्टेंस है वो नहीं दिया रहता है, वो आपको वहाँ पे डिसाइड करना होगा कितना थिकनेस है और इसके अकॉर्डिंग कैसे हम लोग बोल्ट को डिज़ाइन करेंगे, ड्राइंग करेंगे, कितना इसका मेटल का इंड लेना चाहिए, सेंक का लेंथ लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको बीच वाला डायमेंशन को वहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना होना चाहिए, तो वो सीट के थिकनेस पे डिपेंड करता है, इसलिए इसका लेंथ डिफाइन नहीं करते हैं, सिर्फ ये इंड को हम लोग डिफाइन किए। अब देखिए तो यहाँ पे हम मतलब ऊपर वाले 46 ले लिए, बीच नीचे वाले को 30 ले लिए, बीच वाले को आप कितना भी लेंथ ले सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये बीच वाला कोई भी गैप ले सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है। हाँ थोड़ा ये ध्यान रखेंगे कि इससे ज़्यादा लेंगे, क्योंकि आप देखिए ये मेटल इंड है ना, अब मेटल इंड जो होता है ये एंटर करता है सीट में ही, तो स्वाभाविक है ये जो होगा ये ऊपर वाला पार्ट या तो उसके थिकनेस के बराबर होगा या उससे कम भी हो सकता है, तो ये कोई भी ले सकते हैं, वो सीट के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसके बराबर उससे कम या उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो ज़्यादा लेंगे तो ये वाला इंड अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता हो गया। अब आइए चलते हैं, अब इसको ड्रॉ करते हैं। तो अब देखिए पहले मेटल इंड से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो मेटल इंड से स्टार्ट करने अब देखिए ये वाला डायमीटर तो शुरू से शो करना पड़ेगा, तो ये आउटर डायमीटर है, सेंक डायमीटर है, इसको हम लोग ड्रॉ कर दिए आउटर लाइन को। अब मेटल इंड को ड्रॉ करने के लिए दोनों इंड जो डिस्टेंस है 30 mm ले लिए, अब यहाँ से थ्रेड वाला पार्ट को ड्रॉ करना होगा, तब यहाँ से थ्रेड वाले पार्ट को हमने ड्रॉ कर दिया। अब देखिए जब थ्रेडिंग करते हैं तो आप देखते होंगे ये थ्रेडिंग कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन पे होता है, तो हम जनरली यहाँ पे जो लेते हैं, अब वो क्या इंक्लिनेशन होता है वो डिपेंड करता है कि स्टार्ट कितना है। देखिएगा किसी किसी स्टार्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे ये जो थ्रेडिंग होता है किसी किसी में दो जगह से स्टार्ट होता है, किसी किसी में तीन जगह से स्टार्ट होता है। जैसे आप लोग पानी का बोतल खोलते होंगे तो कोई कोई बोतल जो होता है 5 बार रोटेट करोगे ना तब खुलेगा, अब कोई कोई बोतल आधा बार रोटेट करोगे तब भी खुल जाएगा, कोई बोतल आधा से आधा बार रोटेट करोगे तब भी खुल जाएगा, ये आप ध्यान से देखना। तो ये क्यों होता है, तो अगर अच्छे कंपनी का बोतल है या फिर अच्छा थ्रेडिंग करता है तो उसमें तीन स्टार्ट देता है। तीन स्टार्ट का मतलब क्या है, यहाँ थ्रेड जो इंड स्टार्ट होगा वो तीन जगह से स्टार्ट होगा, दैट मीन्स वो जल्दी क्लोज हो जाएगा और जल्दी ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें सिंगल स्टार्टअप देगा तो अब उसको पूरा रोटेट करना पड़ेगा 2 से 4 बार, ठीक है। तो ये चीज़ आपको डिपेंड करता है वो बोतल के मटेरियल पे और उस कंपनी के ऊपर।
ठीक है। तो ये जो अच्छा बोतल होगा उसमें जल्दी ओपन हो जाएगा, दैट मीन्स 3 स्टार्ट हो जाएगा, 4 स्टार्ट हो जाएगा। खैर उसको हम लोग अभी नहीं समझेंगे, बस इतना समझ लेना है 3 स्टार्ट, 2 स्टार्ट, 4 स्टार्ट, 1 स्टार्ट भी होता है। तो जो 4 स्टार्ट होगा वो अच्छा होगा, 1 स्टार्ट होगा वो खराब होगा। ख़राब का मतलब क्या कि उसको ज़्यादा रोटेट करना पड़ेगा हमें ओपन करने के लिए या क्लोज करने के लिए। तो ये एंगल उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एंगल हम जनरली 45 यहाँ पे लेते हैं, तो इसको मिला दीजिए, ये 45 पे इसको हम लोग मिला देते हैं। तो यहाँ पे आप 45 पे ये, 45 पे ये लाइन ले लीजिए। अब उसके बाद स्टूड में ये ऊपर वाले एंड में आते हैं, तो ये नट एंड में आ गए, तो नट एंड का भी थ्रेड ड्रॉ कर दिए, ऊपर वाला और नीचे वाला जो भी 46 mm का लेंथ था उसको ड्रॉ कर दिए, और फिर ये 45 पे एक लाइन ले लिए। तो यहाँ पे आप 45 पे दो लाइन, एक साइड इधर और एक साइड, ये दोनों 45 डिग्री 45 डिग्री पे आपको लेना है। तो इस ढंग से आपका ये स्टूड का जो नट इंड है वो ड्रॉ हो गया, ये बॉटम इंड है वो ड्रॉ हो गया। अब एक चीज़ आप देखते होंगे कि यहाँ पे जो होता है फ्लैट नहीं होता है, जनरली जो है ये कर्व होता है, ठीक है। तो ये कर्व होता है, दैट मीन्स यहाँ पे जो है ये सर्कुलर सेक्शन होगा। तो कर्व होगा तो फ्रंट व्यू में कर्वेचर ड्रॉ करेंगे। तो जनरली हमने नट में देखा था पिछले नट जो बोल्ट पढ़े थे उसमें देखे थे कि ये जो रेडियस लेते हैं 2D के बराबर रहते हैं, यानी कि इसका डायमीटर अगर 20 है तो 40 mm रेडियस लेके इसको ड्रॉ कर दीजिए कर्वेचर, और 40 mm रेडियस लेके हम लोग ये कर्वेचर ड्रॉ करते हैं। तो ये 40 mm रेडियस यानी कि 2D रेडियस लेके आप ड्रॉ कर सकते हो। अब सो कोई दिमाग में आ रहा होगा कि सर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये कॉर्नर से आप 40 mm रेडियस कंपास सेट कीजिए और इस लाइन को कट कीजिए, जहाँ पे कट कर देगा वहाँ से सेंटर हो जाएगा और फिर कंपास को लेके रोटेट कर दीजिए, तो ये आपका टॉप इंड का कर्वेचर हो जाएगा। उसी तरह बॉटम इंड का भी कर्वेचर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका टॉप इंड का भी कर्वेचर हो गया, बॉटम इंड का भी कर्वेचर हो गया, फ्रंट व्यू भी ड्रॉ हो गया, टॉप व्यू भी ड्रॉ हो गया, यानी कि ये ऊपर वाला जो आपका नट इंड हो गया, ये मेटल इंड हो गया, ये आपका सेंटर पार्ट हो गया या मिड पार्ट हो गया। तो ये आपका स्टूड का ऑल अबाउट हो गया ड्राइंग। अब इसमें डायमेंशनिंग करेंगे, तो डायमेंशनिंग आपको आता है आसानी से, हम लोग डायमेंशनिंग कर सकते हैं। तो ये आपका 46 है तो 46 दे सकते हैं। अब ये कैलकुलेशन सारा साइड में आपको दिखाना होगा, इसीलिए नहीं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 2D+6 लिखते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट डायमेंशन से कैलकुलेशन से लिखे हैं तो 46 लेंगे। इसको 30 ले सकते हैं, बीच वाला डायमेंशनिंग हम नहीं क्यों क्यों नहीं किए हैं, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपके मेटल के थिकनेस पे। अब इंटरनल डायमीटर कितना है, ये 17 है, और ये आपका एक्सटर्नल डायमीटर स्टूड का जो लेंथ होता है, सॉरी डायमीटर होता है जिसको सिंक डायमीटर बोलते हैं, ये आपका जो है वो 20 है, अब इसको जो हम कोर डायमीटर बोलते हैं ये 17 है, ठीक है। तो ये आपका ऑल अबाउट हो गया स्टूड के बारे में। थैंक यू, जय हिंद।